योगी सरकार में महिलाएं हैं असुरक्षित। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन मिशन कंपाउंड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला के घर घुसकर अज्ञात व्यक्ति ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। जब तक महिला बदमाश को पकड़ती वह घर से भाग गया और पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस भी टालमटोल करती हुई नजर आई। मुरादाबाद का थाना सिविल लाइन इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। कभी बदमाशों द्वारा लूट को अंजाम दिया जाता है तो कभी महिलाओं का शोषण किया जाता है। ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब सिविल लाइन के मिशन कंपाउंड में महिला अपने घर पर अकेली थी। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घर में घुसकर महिला को जान से मारने का प्रयास किया गया। जब तक महिला बदमाश को पकड़ती तब तक बदमाश घर से भाग गया था, लेकिन उसकी बुलेट गाड़ी महिला के घर के बाहर ही रह गई, जिससे महिला ने थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है और गाड़ी का नंबर भी नोट कराया। अब महिला के पति पर फोन करके बदमाशों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि यह केस बंद किया जाए। तो वही जब महिला थाने चौकी जाती है तो पुलिस के द्वारा टालमटोल की जाती है। कभी किसी बदमाश का चेहरा दिखाते हैं तो कभी किसी का। इससे महिला बहुत परेशान हो गई है और मुरादाबाद प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। योगी सरकार में जब पुलिस ही बदमाशों से मिलेगी तो क्या होगा? मुरादाबाद का हाल क्या? महिलाएं सुरक्षित होंगी? जब सुरक्षा कर्मी ही बदमाशों से हाथ मिला लेंगे तो अब देखना यह होगा कि क्या इस महिला को इंसाफ मिलता है या नहीं, या फिर बदमाशों के हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे। कहाँ रहते हैं? मैं मिशन कंपाउंड निकट कमिश्नर ऑफिस के ठीक सामने रहती हूँ मुरादाबाद। भैया देखिए, कारण मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है। एक हफ्ता, आज 8 दिन हो गए हैं। मेरी जितनी भी एप्लीकेशन है लगी भी है, FIR भी हुई भी है, कमिश्नर के यहाँ भी गई भी है, SSP के यहाँ भी गई भी है, सब जगह गई भी है, पर कोई अभी इस चीज़ पे सही निर्णय निकल के नहीं आया है। और मुझ पर मैंने कराई थी सर, मेरे पे अज्ञात हमला किया गया है घर में घुस के। अब 6 तारीख की रात ठीक 9:30 बजे के आसपास का समय था। उसके बाद जो है वो अंदर घुसा मेरे घर में कोई बाहर से कुंडी खोल के, और उसने मेरे पे जानलेवा हमला किया अंदर घुस के। और वो परिया अपने कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि मैं उस टाइम पे उसे एकदम पीछे से धक्का दिया तो वो एकदम चीखी मैं, तो शायद हो सकता है चीख के वजह से डर के भाग निकला। पर मैं उसके पीछे बाहर तक आई, आने के बाद मैंने देखा सड़क तक, उस साइड पे अंधेरा था, कमिश्नर कोठी की तरफ वो भागा है, पर वो मेरे हाथ नहीं आया। पर उसी वारदात के टाइम पे मैंने एक मोटरसाइकिल बाहर जो देखी वो किसी की नहीं थी, सबने मुझे मना कर दिया ये नहीं है। जो थी बुलेट थी गोल्डन कलर की और इस रॉयल फील्ड गाड़ी पे उसका नाम था UP 21 44 45 उसका नंबर है। पर उसका दबाव जो है मेरे पति के फ़ोन पे आ रहा है कि इस लड़के का नाम हटाया जाए। तो उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे सही से क्यों नहीं पता कर रहा है पुलिस। दबाव जिसकी गाड़ी है रॉयल फील्ड 44 45 उसका ही आ रहा है कि वो हटाया जाए उसका नाम, और पुलिस भी मुझे गुमराह कर रही है, सही से मेरे काम करके नहीं दे रही है, अभी तक कुछ पहुंचा नहीं। और पुलिस साथ में उस लड़के को मेरे पास लेकर आ रही है कैमरे की फुटेज दिखवाने के लिए। हाँ, तो ये नहीं सर, मेरे पास तो ये कल आई है बात, रात आई है सामने, मेरे हस्बैंड ने बताया कि ऐसे ऐसे उसका नाम हटवाने के लिए, उसके और लोग दोस्त जो जानने वाले हैं वो फ़ोन कर करके ये कह रहे हैं भाई हटवाओ, क्या मामला है, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। तो ये पुलिस कोई भी ऐसा काम क्यों नहीं कर रही है, सब कुछ अपनी मर्जी से चल रही है और दबाव डाल रही है इस चीज़ के लिए। और जबकि मैंने कहा था कल मैं चौकी में आके मिलूँगी और चौकी में ही आके आपको देखूँगी कौन है वो लड़का, अगर मुझे लगेगा वो है तो मैं बताऊँगी, क्योंकि मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी और क्योंकि हेलमेट था, पर मैं उसके शरीर से डील डॉल से पहचान सकती हूँ कि हाँ वो कौन था। पर ये लोग दूसरे लोगों को लाके और 4-5 जने और आए थे अभी साथ में लड़के, दबाव बनाया जा रहा है पूरी तरीके से। तो इसलिए मुझे इस चीज़ का डर है, कल को कुछ भी हो सकता है, मेरी जान भी जा सकती है चलते फिरते। तो इसके लिए आप लोग देखिए कुछ करिए। खतरा तो सर दुनिया में पता नहीं कौन 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 दुश्मन बन रहा है। आज के टाइम में ये मास्क में इतना बुरा वो कर दिया है कि हम किसी को पहचान नहीं सकते, कौन हमारे पीछे लग रहा है, कौन क्या कर रहा है ना, सबसे सीधी बात ये है। और जो भी है मैं भी जानना चाहती हूँ, मैं किसी पे ऐसा कोई झूठा इल्ज़ाम या ब्लेम लगा के किसी को सजा नहीं दिलाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आगे इसकी कार्रवाई बहुत बारीकी से करी जाए और मुझे इसका दिखाया जाए कि कौन है, कौन इसके पीछे साजिश है, कौन कर रहा है। मुझे भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस जब साथ में खुद ही मुजरिम को लेके चल रही है तो वो मेरा क्या बचाव करेगी। आपको खतरा है मतलब पुलिस आरोपी दोनों पुलिस के साथ मिल रहा है? बिल्कुल। और आपको जो हमें टॉर्चर कर रहा है? बिल्कुल 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 सर, मुझे टॉर्चर करा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरी चीज़ें काम वो तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, मेरे कहने पर कर रहे हैं। मैं नवीन हॉस्पिटल में काम करती हूँ गांधीनगर में। क्या नाम बताया था?
सोनी सिंह।